वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने कहा है कि एक तो उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत की है, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुस्तान को एक स्ट्रांग पीएम की जरूरत है जो लोगों को यूनाइट रख सके। ने स्ट्रांग पीएम दो बार लगभग मुझे लगता है 35 इयर्स के बाद बहुत स्ट्रांग पीएम लोगों ने दिया है, 14 में दिया है, 19 में दिया है और 24 में फिर देने वाला है। तो जो बोला है ठीक ही है, कभी कभी कुछ लोग बिना समझते हुए सच बोलते हैं, वो एक स्टेटमेंट है। और पाकिस्तान से बात करने को उन्होंने बहुत बार कहा है, पाकिस्तान में अगर उनको इतना अच्छा लगता है तो पाकिस्तान में जाके वो बसने दो। जो पार्टीशन हुआ था वो रिलीजन के आधार पर जो पार्टीशन हुआ था वो बिल्कुल गलत था और वो बहुत बड़ी भूल थी, क्या कहना था? मैं समझता हूँ वो गलती इसलिए भी हुई क्योंकि अली मोहम्मद जिन्ना जो थे वो चाहते थे कि 26% के बजाय उन्हें 30% दिया जाए। उस वक्त भी जो कांग्रेस थी उन्हें से कबूल नहीं किया, तो फिर उन्हें देख लिया कि अब हमारा इनके साथ बन नहीं सकता और एक मुश्किल वक्त में फिर सर इकबाल ने इन्हें कन्विंस कर दिया कि पाकिस्तान मांगना ज़रूरी हो गया है। मैं सब खुद भी समझता हूँ कि डिवीज़न ऑफ इंडिया बहुत गलत था, इसके इतने हिस्से होना बांग्लादेश पाकिस्तान हिंदुस्तान बहुत बड़ी हिस्टोरिकल जो है उस वक्त गलती हो गई है। मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ। और इसका जो भुगतान कश्मीरियों को भुगतना पड़ता है, मैं नहीं समझता कश्मीरियों को, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इसका भुगतना पड़ता है। वो तो आपके सामने है। अगर एक मुल्क होता तो ताकत भी होती और ये मुश्किलें नहीं होती, वो भाईचारा रहता। अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इतने झगड़े होते हैं, इससे और भी मजहबी मुश्किलात बढ़ जाती हैं।